इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। पहली बार बेलगाम सिटी में पार्टी वाइज कैंडिडेट देने के लिए हर पार्टी से डायरेक्शन आए थे। हमने तो कोशिश की थी कि जैसे पहले आता है वैसे ही चलता रहे, लेकिन जब पार्टी का एक डायरेक्शन आता है वो डायरेक्शन हमको मानना पड़ता है। तो इस बार वार्ड नंबर 6 के लिए हमारे मोहम्मद भाई को पार्टी का एक कैंडिडेट चुना गया है। सभी से यही दरख्वास्त है कि इन्हें वोट करें, चुन के लाएं। बहुत दिनों के बाद आपसे मुखातिब हो रहा हूँ तो अच्छा लगता है अपनों में बात करना। के जनाब मोहतरम मोहम्मद रसूल पीरजादे, एक अरसे दराज से कौम मजहब व मिल्लत और इस आबादी की खिदमत करते आए हैं। मुझसे ज़्यादा आप हजरात इस सिलसिले में वाकिफ हैं। ज़रूरत है कि ऐसे ही लोग हमारी क़ियादत करें, हमारी कौम की नुमाइंदगी करें। इसलिए मेरी भी गुजारिश होगी कि बासलाहियत तजर्बाकार और कौम के मुखलिस अफराद का इंतखाब हो। जनाब मोहम्मद पीरजादे साहब, जिस मकसद के खातिर हम सब इकट्ठा हैं, यकीनन मुकम्मल तौर पर उसके लायक हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बेलगाम सिटी में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव में हिस्सा लेने का ऐलान करी है। इस मरतबा चूँकि वक्त कम था, बड़ी एहतियात से 6 वार्ड्स पर अपने कैंडिडेट का ऐलान किया है, जिसमें वार्ड नंबर 18 से शाहिद पठान और वार्ड नंबर 12 से आलम साहब हैं। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, स्मार्ट सिटी का भी इसको दर्जा हासिल हुआ है। खूबसूरत शहर है, लोग अच्छे हैं और इसी साहब की बेशुमार चाहत है। यहाँ के नौजवानों में बड़ा तकाजा था नौजवानों का और यहाँ के हालात थे, जो हालात अवैसी साहब को यहाँ पर आने के लिए रास्ता खुला। अभी इंशाल्लाह 3 तारीख को चुनाव है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पूरे जोश व खरोश के साथ हिस्सा ले रही है। देखिए, हमारी आवाम से तो यही अपील है कि तब्दीली के लिए वोट दें, क्योंकि जब तक अल्लाह सुबहान व तआला का इरशाद है कि जब तक आदमी अपने आप को बदलना नहीं चाहता उस वक्त तक तब्दीली नहीं आती। हालात का रोना रोना आसान है, हालात का मुकाबला करके हालात को बदलना बहुत मुश्किल काम है। और ये मौका बेलगाम के शहरियों को अल्लाह ने अता किया है कि असदुद्दीन अवैसी साहब की पार्टी एक ऐसे शख्स की पार्टी का यहाँ पर दाखिला हुआ है जिसके पास सियासत आवाम की खिदमत के लिए की जाती है, ये ना कि इख्तदार के मज़े लूटने के लिए, नहीं आवाम की खिदमत के लिए सियासत की जाती है। मैं शाहिद खान पठान वार्ड नंबर 18 से AIMIM का कैंडिडेट सिलेक्ट हुआ हूँ। मैं
मैं शुक्रगुजार हूं जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं आवाम की खिदमत कर सकूं। मैं उम्मीद करता हूं सुभाष नगर, रामनगर, अयोध्या नगर, नेहरू नगर की आवाम से कि वो मुझे और मेरे जज्बे को साथ दें और मुझे खिदमत का एक मौका दें। 1.5 साल 2 साल से मेरी मुसलसल सोशल सर्विस चल रही है और मैं उम्मीद करता हूँ कि इसी बेसिस पर मुझे आगे खिदमत करने का मौका दे। अस्सलाम वालेकुम, मैं वार्ड नंबर 12 से AIMIM का ऑफिशियल कैंडिडेट करके अनाउंस हुआ हूँ और मैं गुजारिश करता हूँ कि वार्ड नंबर 12 जो असद खान कॉलोनी का हिस्सा है, न्यू वीरभद्रा नगर, फारूकिया कॉलोनी, सुभाष नगर का चंद हिस्सा, पुलिस हेडक्वार्टर्स और शर्मन कंपाउंड है, यहाँ के आवाम से मैं गुजारिश करता हूँ कि ये हमारी एक नई कोशिश है, हमारे पास एक विज़न है, पुराने बहुत लोगों को ऑलरेडी ट्राई कर चुके हैं तो इस बार जब नए लोग नए चेहरे आए हैं एक विज़न के साथ में तो हम लोगों को अपना कीमती वोट दे करके एक बार हम लोगों को आपकी खिदमत करने का मौका दिया इनायत फरमाया जाए। नहीं, आप पर इल्ज़ाम हैं कि आप चाहे उत्तर प्रदेश हो, बंगाल हो, बिहार हो, आप चुनाव आने तक तो मैदान में कहीं पर भी नज़र नहीं आते पर चुनाव आते ही आप नज़र आते हैं। आप पर बारहा इल्ज़ाम भी लगा है कि आप वोट काटने के लिए आते हैं, चुनाव के वक्त आप आ गए, तो आप वाकई अपनी पार्टी को जिताने के लिए आए हैं या दूसरे पार्टी के वोट काटने के लिए? यही इल्ज़ाम जो है पिछले मरतबा बिहार के इलेक्शन के वक्त भी हुआ था, मगर आपका मैं पिछले अल्फाज में कह चुका हूँ कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कश्मीर में इलेक्शन नहीं लड़ रही थी मगर वहाँ पर फ्लड्स आए, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारकुनान पूरी दवाइयों के साथ मेडिसिन के साथ में अपने डॉक्टरों की टीम ले जाकर वहाँ पर काम करी, असम के अंदर बाढ़ आया, असम के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इलेक्शन नहीं लड़ी, वहाँ पर भी जाके मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के डॉक्टर्स पूरे दवाइयों के साथ जाकर खिदमत करी, बिहार के अंदर भी यही आया था मगर आज अल्हम्दुलिल्लाह बिहार के अंदर हमारे 5 MLA जीते हैं, आज हमारी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कारकर्दगी बिहार के असेंबली के अंदर हमारे मजलिस के MLA कैसा अपनी आवाज़ को कैसी गूंज सुना रहे हैं आप लोग सारी दुनिया जानती है। नहीं, हैदराबाद में ये भी बारहा कहा जाता है कि 7 MLA आपके हैं हैदराबाद में, एक असदुद्दीन ओवैसी साहब MP हैं, आप 7 से 8 तक आगे नहीं बढ़ पाए और UP में जाकर 100 सीटों पर आप चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या बुनियाद पर लड़ रहे हैं बताइए? हम 7 से 8 की उम्मीद हमारे पास में, हम भी कुछ अलायंस की बुनियाद पर हम इलेक्शन लड़ रहे हैं वहाँ पर भी, क्योंकि हम एक पार्टी से अलायंस कर रहे हुए हैं, हम उनकी तायद हमारी तायद पर हमारे एक समझौते के बुनियाद पर हम 7 पे इलेक्शन लड़ रहे हैं, अगर हमारा पार्टी से कोई समझौता नहीं रहेगा तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हम भी हमारी ताकत पूरे तेलंगाना के अंदर बताएंगे। अच्छा, बारहा ये इल्ज़ाम लगता है कि आप जहां पर भी जाते हैं भाजपा को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, इस इल्ज़ाम को कहाँ तक सही ठहराते हैं और गलत ठहराते हैं? सर, हमारा हम जहाँ पर भी गए, देखिए बंगाल में हम इलेक्शन पिछले मरतबा नहीं लड़े थे, उससे पहले की मरतबा MP इलेक्शन में इलेक्शन नहीं लड़े थे मगर वहाँ पर BJP जीत के आई, वहाँ पे 18 से 20 सीट करीब करीब जो है BJP MP जीत के आई मेजॉरिटी जगहों पे, कई जगहों पे जो है जहाँ जहाँ पे हम नहीं जाने के बावजूद भी कहीं पे, जैसा कि दिल्ली में इलेक्शन हुआ, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का कोई उम्मीदवार नहीं था, वहाँ पे आप पार्टी जीत के आई। तो बंगाल में हार गए ना? और बंगाल में हम लोगों ने सिर्फ 6 उम्मीदवार एक ट्रायल के बुनियाद पर उतारे थे, बंगाल में BJP जो है TMC को जिता के ले गया, जिस पर सबसे माहौल बनाया था डरावनी माहौल, वहाँ पर जो है हमको जो है हालात आइंदा इंशाल्लाह, क्योंकि पहली एक जगह इलेक्शन लड़ते ही जीत रही हमारी, आज जो 7 MLA है 1951 से कोशिश करते 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 इस मुकाम को पहुँचे हैं, आने वाले BJP का भी जो MLA थे 3 MPOs से जो शुरू करी थी BJP आज हुकूमत में 300 तक आ गई, हम भी इंशाल्लाह ताला कोशिश करते जाएंगे तो हम नहीं तो हमारे आने वाली नस्लें यहाँ पर हुकूमत करने का हम दावा करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि असेंबली में खड़े होकर जो स्पीच देते हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब, यकीनन वो बड़ी असरअंदाज रहती है, बड़ी असरदार रहती है, लेकिन उसके असरात ऐसा कौन से बिल हैं जो असदुद्दीन ओवैसी की स्पीच के बाद रद्द किए या तो फिर उन कानूनों को मंजूर किया गया, ऐसा कोई दलील? हम यही पेश करते हैं कि देखिए हम यही वजह है कि आज बेलगाम में आकर हम इलेक्शन लड़ने की वजह से हम जाके बेंगलुरु में इलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं, हम जाके बंगाल में इलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं,
क्योंकि यहाँ पर कानून जो पास होता है अक्सरियत के बुनियाद पे, गिनती की बुनियाद पे पास होता है। अगर हमारे नुमाइंदे पार्लियामेंट में होते हुए अगर बिल पास होता तो आप ये हमारे पे इल्ज़ाम लगा सकते थे हमारी नुमाइंदगी कम रहने की वजह से वो बिल में काम। अगर कम से कम सारे हिंदुस्तान के अंदर मजलिसी वाहिद जमात है जो पार्लियामेंट में ठहर कर अपनी आवाज़ तो सुना सकी है। मैं वार्ड नंबर 37 के सभी वोटर्स से, सभी लोगों से ये गुजारिश करती हूँ कि मैं बैरिस्टर मिस्टर असदुद्दीन साहब की पार्टी AIMIM से उम्मीदवार हूँ यहाँ की। उनके पार्टी से मैं नुमाइंदा बनकर इस वार्ड में खड़ी हुई हूँ। आप सभी जानते हैं कि सोशल वर्क बिना किसी पार्टी, बिना किसी पार्टी की मदद के हमने बहुत सारे साल यहाँ पे काम किया हुआ है। तो मैं अभी आप से गुजारिश करती हूँ कि आप मुझे इस पार्टी के थ्रू जिताकर लाइए। मैं आपका काम इंशाल्लाह पूरा करूँगी। हमारा निशान है पतंग। मेरा नाम है हीना कौसर उर्फ सना दुकानदार और हमारा बैलेट नंबर है 04। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नूर अहमद है देसाई। मैं वार्ड नंबर 12 से रुका था तो बीजेपी का कैंडिडेट था मैं, तो बीजेपी वाले मुझे टिकट नहीं दिए लास्ट मोमेंट में, तो इसीलिए मैं अभी इंडिपेंडेंट खड़ा था तो और बाबा जान की वजह से मैं पीछे ले रहा हूँ। और बीजेपी वाले हमें हमारे को मुस्लिम है बोल के वो हमारे को बी फॉर्म नहीं दिए, तो इसके वजह से हम लोग बाबा जान को इकट्ठा होकर बाबा जान को मेरे पूरे वोट्स 500 वोट्स है मेरे घर के, तो पूरे वोट्स बाबा जान को दे रहा हूँ मैं। वार्ड नंबर 100 नूर देसाई और ना उसी बीजेपी वत बी फॉर्म सिगद कारण नावेल सीरी बाबा जान मोदी साहब उर्फ बाबा जानवे और सपोर्ट मोदी वो निर्णय तक तुम्हारे सहकर्षि बाबा जान इवर आरसंत ಮುಂದಿನ ಈ ಬರುವ ಇಲೆಕ್ಷನ್ದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹಕರಿಸಿ ಅವರನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸಿ ತರಬೇಕಂತ ನಮ್ಮೊಂದು ವಿನಂತಿ ಇರುತ್ತೆ. ವಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ 12 ಜೋ ಲೋಗಾ ನ್ಯೂ ವೀರಭದ್ರನಗರ್ ಪಾಲಿಕಾದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಅಯೋಧ್ಯ ನಗರ್ ಬಾದ್ಮೇ ರಾಮನಗರ್ ಗ್ಯಾಂಗ್ವಡಿ ಬಾದ್ಮೇ ಶಿವಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ರೋಡ್ ಏ ಸಬ್ ಲೋಗೋಂಕು ಮೇರಿ ಏಕ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಹೈ ಕಿ ಮೈ ರೋಡ್ ಜಮೀನ್ ಲೆವೆಲ್ ಕಾ ಮೈ ಕಾರ್ಯಕರ್ತಾ ಹೂ ಮೇರಾ ಕಭಿ ಭೀ ಜರೂರತ್ ಪಡಿ ತೋ ಮೈ ಕಬ್ ಭೀ ಆಕೋ 24 ಅವರ್ಸ್ ಕೆ ಅಂದರ್ जो भी काम है मैं करके देने की उम्मीद रखता हूँ। और मेरे को ये टाइम को सब मिल के कशी से कशी तादाद में मेरे को वोट दे के विन कराओ, मेरी एक रिक्वेस्ट है सब आवाम से। कांग्रेस